एह् रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ। संझां खबरें च तुंदा स्वागत। पैह्ले मुक्ख खबरें कन्नै मैं योगेश शर्मा। राष्ट्र अज्ज अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना करदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लाल किले दी प्राचीर सोयां राष्ट्रीय झंडा फहराया। प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे सत्ता च वापस परतोने दे दस्सें हफ्तें दे अंदर अंदर उनें लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करने लेई महत्व आले फैसले लैते न। गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें श्रीनगर च तिरंगा फहराया, गलाया जे लोकें अपनी पंछान बारै चिंता करने दी कोई लोड़ नेईं ऐ। जम्मू खित्ते च भी स्वतंत्रता दिवस रिवायती जोश ते जज्बे कन्नै मनाया गया। खबरें दी तफसील कन्नै श्रुति खजूरिया। राष्ट्र अज्ज अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना'रदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज राष्ट्रीय झंडा फहराया ते दिल्ली दे ऐतिहासिक लाल किले दी प्राचीर सोयां राष्ट्र गी संबोधित कीता। इस मौके पर प्रधानमंत्री होरें चिट्टा कुर्ता पजामा लाए दा हा ते कन्नै पग बन्नी दी ही। लाल किले उप्पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें प्रधानमंत्री हुंदा स्वागत कीता। एह्दे मगरा प्रधानमंत्री होर गार्ड ऑफ आनर दा निरीक्षण कीता। लाल किला पुज्जने सोयां पैहले ओह् राजघाट गे जित्थे उनें महात्मा गांधी होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे उंदा कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा नेईं ऐ, ओह् ओकड़े कम्म पूरे करा'रदे न जेड़े लोकें आसेया उनेंगी दित्ते गेदे न। 73वें स्वतंत्रता दिवस दे मौके पर लाल किले दी प्राचीर सोयां राष्ट्र गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे एह् सरकार दी जिम्मेवारी ऐ जे ओ जम्मू कश्मीर दे लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करै। अपने संबोधन च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे भारत च हुन इक राष्ट्र इक संविधान ऐ। संसद दे दौनें सदनें च दो तिहाई बहुमत कन्नै धारा 370 ते 35A गी हटाने आले प्रस्ताव गी मंजूर कीता गेआ। उनें गलाया जे सरकार बड्डे फैसले लैने सोयां बी पिच्छे नेईं हटारदी। प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे दफा 370 ते 35A ऐसे कदम हे जेड़े पिछले 17 बरें च नेईं पुट्टे गे। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। 10 हफ्ते के भीतर भीतर हमारे मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना। प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे सत्ता च वापस औने दे 10 हफ्ते दे अंदर अंदर उंदी सरकार ने लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करने लेई महत्वै आले फैसले लैते न, जिंदे च जम्मू कश्मीर सोयां विशेष दर्जा परताने, 3 तलाक गी खत्म करने, करसाने ते कारोबारियें दे कल्याण लेई गैं पुट्टना शामिल है। हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रूपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आख्या जे पिछली सरकारें 17 बरें तोड़ी कश्मीर मसले दे हल लेई बड़े जतन कीते पर लोड़चदे नतीजे हासिल नहीं होए ते इसलिए इक नवां रों अपनाने दी लोड़ ही। प्रधानमंत्री ने आख्या जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च पुरानी व्यवस्था ने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद गी बढ़ावा दिता ते इस दौरान महिलाएं, बच्चें, दलित ते जनजाति समुदाय कन्नै भी अन्याय होआ। उनें गलाया जे सफाई कर्मचारियों दे सुखने कदे पूरे नहीं हुंदे हे ते ऐसी व्यवस्था गी आखिर कदू तगर स्वीकार कीता जंदा। प्रधानमंत्री होरें गलाया जे 5 बरे पहले जदू उंदी सरकार बनी ही तां लोग हैरान हे जे देशै च अच्छे बदलाव के कदे आई सकदे न, पर हुन लोकें दा गलाना है जे हां हुन इयां होई सकदा है। वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूह, देश के जनजातीय समूहों को, ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्था के लोग, चाहे वे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो, ऐसे अनेक जनजाति, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में हम हैरान हो जाएंगे। आतंकवाद बारे गल करते हुए प्रधानमंत्री ने आख्या जे आतंकवाद मानवता उप्पर हमला है ते जेड़े भी आतंकवाद गी दुए मुल्खें च भेज दसदे न उंदी निंदा कीती जानी लोड़दी। प्रधानमंत्री होरें गलाया जे साढ़े गुआंढियें बांग्लादेश, अफगानिस्तान ते श्रीलंका गी भी आतंकवाद दी मार झलनी पई है। मोदी होरें आक्खेया जे जेड़े आतंकवाद गी समर्थन दिंदे न
उनेंगी सामने आना लोड़चदा। प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे सब्बने मुल्खें गी लोड़चदा ऐ जे ओ आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च किट्ठे रली जान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज घोषणा कीती ऐ जे मुल्खै च हुन त्रौने सेनाएं दे उप्पर इक चीफ आफ डिफेंस स्टाफ होग। उनें आक्खेया जे एह प्रस्ताव 1999 च करगिल आले तनाजे दा बाद थमां गै बकाया पेदा हा। स्वतंत्रता दिवस दे अपने भाषण च मोदी होरें आक्खेया जे हुन समां आई गेदा ऐ जे फौज, नौसेना ते वायु सेना बश्कार तालमेल गी बधाया जा तां जे भारत गी दरपेश सुरक्षा चुनौतियें कन्नै होर बेहतर ढंगै सिर निबड़िया जाई सकै। प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे त्रौने सेनाएं दे प्रमुख दे तौर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ बेहतर तालमेल ते असरदार नेतृत्व उपलब्ध करवाई सकोग। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। उनें दस्सिया जे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ एक सीनियर सैन्य अधिकारी होग ते ओदी मुंडली जिम्मेवारी फौज, नौसेना ते वायु सेना कारवाईएं सरबंधी तालमेल गी बधाना होग। साबका सेना प्रमुख जनरल रिटायर मलिक होरें आक्खेया जे इस फैसले कन्नै भारत दी राष्ट्रीय सुरक्षा मती असरदार होग ते एदे कन्नै त्रौने सेनाएं बश्कार बेहतर तालमेल यकीनी बनोग। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे उन्दी सरकार देश दे आधुनिक ढंगे आले ढांचागत सुविधाएं गी विकसित करने लई 100 लाख करोड़ रुपए दी बड्डी रास पूंजी लाग ते एदे कन्नै भारतीय अर्थव्यवस्था गी दूना करियै अगले 5 बरें च 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आली अर्थव्यवस्था बनाने च मदद होग। हम सब मिलकर के देश को कहां ले जाएंगे, हम सब मिलकर के देश को कहां पहुंचाएंगे, हम सब मिलकर के देश के लिए क्या अचीव करेंगे, इन सपनों को लेकर के जीना, जूझना और चल पड़ना ये समय की मांग है। और इसीलिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्हें गलाया जे भारत गी बंज व्यापार आली सुविधा दे साबे सखल्ला बनाने आली दर्जाबंदी च उपरले दर्जे आले 50 मुल्खें च शामिल करवाने लई सुधारें दा सिलसिला जारी रहोग। उन्हें गलाया जे योजना बनाने च रुकावटें आला दौर खत्म होई गया ते उन्दी सरकार नीति आधारित प्रशासन मुहैया करवादी है। मोदी होरें गलाया जे विश्व बैंक दी व्यापार करने च आसानी आली दर्जाबंदी तहत भारत गी 190 मुल्खें च जेड़ी 2014 च 142वीं थाहर हासिल ही ओ हुन 77वीं थाहर आई पुज्जी ऐ। उनें गलाया जे सुधारें दा सिलसिला जारी रहोग ते बक्ख बक्ख कंपनियें लई देशें च बंज व्यापार गी सखल्ला बनाने लई होर सरिस्ते भी कीते जांगन तां जे भारत उप्पर आले 50 मुल्खें दी श्रेणी च थाहर हासिल करी सकै। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे सरकार पीने आले पानी गी नलके राए हर घर च पजाने लई जल जीवन मिशन शुरू करोग। उनें गलाया जे सरकार ने इस सिलसिले च औने आले बरें च 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने दा तैयार कीता है। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज विधानसभा ते लोकसभा चुनाव किट्ठे करवाने लई जोर भरिया ते गलाया जे राष्ट्र गी महान बनाने लई इक राष्ट्र इक चुनाव दा होना लाजमी है। राष्ट्र दे नां अपने संबोधन च प्रधानमंत्री होरें इस विषय गी दोहरांदे होई जे देश च किट्ठे चुनाव करवाने बारे चर्चा होआ दी ऐ जेड़ी कि खरी गल्ल ऐ। उनें गलाया जे ओह इस बारे गल्लबात ते चर्चा दा समर्थन करदे न। प्रधानमंत्री होरें इस गल्ला पर जोर दित्ता जे सरबंधित सब्बने भ्यालें गी इस बारे राय व्यक्त करनी लोड़चदी। 1977 सवां चर्चा दा विषय बने दे इस विचार गी प्रधानमंत्री होरें अग्गे बधाने दे हक्के च न। इस बारे कानून आयोग ने भी खर्चें गी घटाने ते जनता दे पैसे गी बचाने लई किट्ठे चुनाव दी सिफारिश कीती दी ऐ।
प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे हर बरे कोई 2 करोड़ भारतीय छुट्टियें च विदेशें दी सैर करने लेई जंदे न। उनें इनें भारतीयें गी आक्खेआ जे ओ 2022 तोड़ी मुल्ख दियें कोई भी 15 सैलानियें आलियें थाहरें पर सैर सपाटे लेई जान। उनें गलाया जे एह्दे कन्नै घरेलू सैलसफा गी बढ़ावा थ्होग। 73वें स्वतंत्रता दिवस दे मौके पर राष्ट्र गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्ख अंदर सैलसफा दी बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ ते जेकर घरेलू सैलसफा च बाद्दा हुंदा ऐ तां इत्थे बाहरले मुल्खें थमां सैलानें दी आमद च बी बाद्दा होग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बधदी आबादी उप्पर चिंता बुझदे होई गलाया जे एह्दे कन्नै केईं चाल्ली दियां परेशानियां पैदा होआ दियां न ते केंद्र ते रियासती सरकार गी एह्दे हल लेई बक्ख-बक्ख स्कीमां शुरू करने दी लोड़ ऐ। उनें गलाया जे लोकें गी इस बारे जागरूक बनाया जाना लोड़चदा तां जे लोकें गी इस गल्ला दा एहसास होऐ जे उनेंगी उन्ने गै न्याणे पैदा करने लोड़चदे जिन्ने दी जरूरत गी ओह पूरा करने दी समर्थ रखदे न। एह् खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू पर सुना'रदे ओ। तुं'दे बाकी दियें खबरें कन्नै योगेश शर्मा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें श्रीनगर दे शेरे कश्मीर स्टेडियम च राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया। जम्मू कश्मीर सोआं विशेष दर्जा परताए जाने मगरा एह पहला स्वतंत्रता दिवस हा। राष्ट्रीय झंडा चाढ़ने मगरा राज्यपाल होरें नीम फौजी बलें ते जम्मू कश्मीर पुलस आसेआ कीती गेदी परेड दा निरीक्षण कीता। मगरा किट्ठे गी संबोधित करदे होई मलिक होरें आखेआ जे जेहड़ा बदलाव केन्द्र सरकार आसेआ आनेआ गेआ ऐ ओह ना छड़ा ऐतिहासिक ऐ सगुआं एहदे कन्नै जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोकें लेई विकास दे नमें मौके बी पैदा होंगन। उनें भरोसा दोआया जे जम्मू कश्मीर दे लोकें दी पंछान दौं उप्पर नेईं लग्गी दी ऐ ते ना गै ओह्दे कन्नै कोई छेड़छाड़ कीती जा करदी ऐ। उनें गलाया जे इस बदलाव कन्नै आर्थिक विकास च तेजी ते खुशहाली औग ते अच्छा प्रशासन देने गी बढ़ावा थ्होग, रोजगार दे नमें मौके पैदा होंगन। एह्दे कन्नो कन्नी जम्मू कश्मीर दे बसनीकें गी पूरे मुल्क कन्नै इक मिक होने दा एहसास भी होग। पंचायतों के दूसरे स्तर की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव बहुत जल्दी होंगे। मैं सभी निर्वाचित पंचों और सरपंचों से आग्रह करता हूं कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यह आखते हुए कश्मीरी पंडतें वगैरह पूरा कश्मीर जड़ा पूरा नहीं होई सकदा। राज्यपाल होरें आखिया जे उंदा प्रशासन घाटी च कश्मीरी पंडितें दी सुरक्षित वापसी लेई ते उंदी पुनर्ब्हाली लेई वचनबद्ध ऐ। राज्यपाल होरें आखिया जे तौले गै ब्लाक विकास कौंसल दे चुनाव कराए जांगन। उनें सब्भनें सरपंचें ते पैंचें गी आखिया जे ओह अग्गें औन ते इनें चुनाएं च हिस्सा लैन। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं है। मेरा प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा विश्वास है कि घाटी में कश्मीरी माइग्रेंट्स की पूरी वापसी केवल घाटी के नागरिक समाज तथा सभी हितधारकों के समर्थन और सहयोग से ही संभव है। जम्मू खित्ते च बी 73वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश ते जज्बे कन्नै मनाया गया। खित्ते दा मुक्ख समारोह जम्मू दे मिनी स्टेडियम परेड च लग्गा, जित्थै गवर्नर हुंदे सलाहकार फारूक अहमद खान होरें तिरंगा फहराया। सलाहकार होरें इस दौरान इलाके दी अमन शांति गी जम्मू कश्मीर दे बाद्दे ते विकास लेई लाजमी दस्सेआ। सलाहकार होरें देश दी प्रभुसत्ता गी बनाई रखने लेई रियासती पुलस, स्वतंत्रता सेनानियें, फौज ते नीम फौजी बलें दे बलिदानें लेई उनेंगी श्रद्धांजलि भेंट कीती। उनें गलाया जे केंद्र सरकार आसेआ हाल च आने गेदे बदलाव कन्नै जम्मू कश्मीर, करगिल, लद्दाख ते लोकें लेई विकास दे नमें मौके पैदा होंगन। तोआई राजौरी च डिप्टी कमिशनर मोहम्मद एजाज खान होरें जिला पुलस लाइन ग्राउंड राजौरी च तिरंगा झंडा फहराया। इस प्रोग्राम च बड़ी मती गिनतरी च आम लोकें, सिविल ते पुलस प्रशासन दे अधिकारियें हिस्सा लैता। रामबन च डिप्टी कमिशनर नाजीम जई खान होरें राष्ट्रीय झंडा फहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती। कटरा च श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी श्री मनदीप सिंह होरें तिरंगा झंडा फहराइयै मार्च पास्ट दी सलामी लैती। डोडा च जिला विकास आयुक्त डॉ सागर डी डायफोडे होरें राष्ट्रीय झंडा फहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती। इयां गै कठुआ दे डिप्टी कमिशनर डॉ राघव लंगर, उधमपुर च जिला विकास आयुक्त डॉ पीयूष सिंगला ते पुंछ च डिप्टी कमिशनर राहुल यादव होरें तिरंगा फहराइयै मार्च पास्ट दी सलामी लैती। सिविल ते पुलस प्रशासन दे आला अफसरें दे अलावा खरी मती गिनतरी च आम लोकें, नौजवानें ते विद्यार्थियें इनें समारोहें च हिस्सा लैता। खीरज खास खबरें एक बारी परतिए। राष्ट्र अज्ज अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना'रदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें लाल किले दी प्राचीर समां राष्ट्रीय झंडा फहराया। प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे सत्ता च वापस परतौने दे 10 हफ्ते दे अंदर अंदर उनें लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करने लेई महत्व आह्ले फैसले लैते न। राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें श्रीनगर च तिरंगा झंडा फहराया, गलाया जे लोकें गी अपनी पंछान बारे चिंता करने दी कोई लोड़ नेईं ऐ ते जम्मू खित्ते च बी स्वतंत्रता दिवस रिवायती जोश ते जज्बे कन्नै मनाया गेआ।
एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ। Okay.